तो देखिए यहाँ पर जो पहला यहाँ पर टॉपिक है वो है नंबर ऑफ कार्बन एंड इट्स नेम। तो यहाँ पर पढ़ना है कि कितने कार्बन होंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर है C1 यानी ये कार्बन, तो इसका नाम होगा यहाँ पर मेथ। C2 दो कार्बन, तो इसका नाम होगा एथ। C3 तीन कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा प्रोप। C4 चार कार्बन, नाम होगा ब्यूट। C5 पेंट, पांच कार्बन का होगा पेंट। C6 इसका नाम होगा हेक्स। C7 इसका नाम होगा यहां पर हेप्ट, HEPT हेप्ट। C8 इसका नाम होगा ऑक्ट, OCT ऑक्ट। अब देखिए यहां पर C9 नौ कार्बन होंगे तो इसका नाम होगा नॉन। और फिर C10 इसका नाम होगा डेक, DEC। इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो उसमें आपको जब ना किसी भी केमिकल फॉर्मूले को देखकर केमिकल नाम बताना होगा तो फिर आपको नंबर ऑफ कार्बन को यहां पर लर्न करना ही पड़ेगा। तो बस ये 10 यानी कि 10 नंबर तक कार्बन है, तो हर एक कार्बन के नंबर को देख लीजिए और उसके नाम को थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। जैसे कि अगर हमने आपसे बोला C7, अगर 7 कार्बन है तो उस फॉर्मूले का, जिस फॉर्मूले में 7 कार्बन होंगे उस फॉर्मूले की जो शुरुआत होगी नेमिंग के अकॉर्डिंग, तो शुरुआत में क्या आएगा हेप्ट आएगा। अगर C7 है तो यहाँ पर क्या आएगा हेप्ट, अगर C9 है तो वहां पर क्या आएगा नॉन, ऐसे करके होता है, ठीक है ना। तो इसको आप कॉपी करिए पहला पॉइंट। अब इसके बाद से आपको दिखाते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में करते हैं, ठीक है ना। कॉपी करिए इसे। अब देखिए यहां पर दूसरी हेडिंग है, यहां पर एल्केन। देखिए यहां पर एल्केन क्या है, एल्केन के आपको बताएंगे जनरल नेम, यानी कि जो इसका केमिकल जो नाम होता है केमिस्ट्री में उसे बोलते हैं जनरल नेम, और दूसरा इसका होगा जनरल फॉर्मूला। देखिए यहां पर ध्यान से, तो इससे पहला हमें पढ़ना है यहां पर क्या है इसका जनरल नेम। देखिए इस पूरे का इस्तेमाल कहां पर होगा, इस पूरे का इस्तेमाल होगा IUPAC में। आपको एक केमिकल फॉर्मूला लिख के आएगा और आपको उस केमिकल फॉर्मूले को देखकर उसका आपको केमिकल नेम लिखना होगा। केमिकल नेम का मतलब वही आप समझिए IUPAC नेम। तो कैसे करते हैं उसके लिए बहुत ध्यान से जरा समझिएगा यहां पर कि एल्केन का जनरल नेम क्या होता है। जनरल इसका नेम होता है जो यहां पर लिखा हुआ है एल्केन, ओके। ये हमारा एक ग्रुप होता है, ये हमारा एक ग्रुप है एल्केन ग्रुप, ठीक है ना। तो देखिए जो यहाँ पर ग्रुप का नाम है वही इसका जनरल नेम होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला देखिए इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर जो n लिखा है यहाँ पर लिखा 2n+2, ये दोनों यहाँ पर सफिक्स में लिखे नीचे, ठीक है। C के नीचे n है और H के नीचे लिखा हुआ पूरा 2n+2। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा कि सी के नीचे जितने कार्बन होंगे, एन यहां पर क्या है नंबर ऑफ कार्बन, वही एन की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है। एग्जाम्पल देखिए इसका, कोई दिखाते हैं एग्जाम्पल हम आपको। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया, मान लीजिए C1, मैंने यहां पर क्या लिखा C1। तो अगर एन की वैल्यू 1 लगाइए, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर एन की वैल्यू 1 लगाइए तो यहां पर लगाइए 1, तो क्या आएगा एच 2 × 1 2 × 1 और +2, तो कितना आया ओवरऑल CH4। C के नीचे 1 है तो 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड या फिर किसी एलिमेंट के नीचे अगर 1 है तो 1 को आप लगाइए चाहे मत लगाइए, वो तो वैसे भी दिख रहा है कि 1 है। और 2 × 2 2 2 4 CH4, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने यहां पर लगा दिया एन की वैल्यू 2, यहां पर लगाया मैंने एन कितनी 2 लगाई है, तो कितना आएगा C2 और एच। अगर एन की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, ठीक। अच्छा तीसरा देखिए जरा, अगर यहां पर n की वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करते हैं 3, तो फिर यहां पर कितना आएगा C3H 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, C3H8, ओके। तो इस तरह से हमारे कंपाउंड बनते जाएंगे। तो मतलब कहने का कि ये आपको पहचानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपसे बोला कि बताओ C2H6 क्या है, तो आप बोलोगे सर C2H6 हमारा क्या एल्केन है। एल्केन कैसे मालूम चला हमें, जो भी यहां पर नंबर ऑफ कार्बन होगा उसके डबल से 2 ज्यादा होगा। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर क्या लिखा है CN और N का यहां पर पहले डबल हुआ है, N का पहले यहां पर डबल हुआ है 2N, उसमें 2 को ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये तो मान लीजिए हमारा हो गया। इसका देखिए नेम कैसे बताएंगे हम,
ये तो अभी आपको ये पहचानना आ गया फॉर्मूले को देखकर कि क्या ये एल्केन है या नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए ये भी एल्केन है, ये पॉइंट भी एल्केन है, ये भी हमारा एल्केन है, लेकिन अगर मैंने आपसे बोला यहां पर सी फोर और एच सिक्स, ये हमारा एल्केन नहीं आएगा, ये सी फोर एच सिक्स पॉइंट नंबर फोर, चौथा पॉइंट हमारा एल्केन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फोर है, तो फोर के अकॉर्डिंग अगर हम फोर का डबल करेंगे तो कितना होगा, एट। यहां पर लगा दीजिए, पुट कर दीजिए एन की वैल्यू फोर, तो फोर और फोर टू जा एट, एट और टू टेन, तो अगर यहां पर एच के नीचे का टेन लिखा होता तो वो ये हमारा एल्केन में आता। यहां पर क्या है, सी फोर एच सिक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा एल्केन में नहीं आएगा। ठीक, काट दे रहा हूं, ठीक है इसको मैं। अब यहां पर देखिए, ये तो आपको पहचानना आ गया कि भाई फॉर्मूला जो लिखा है वो एल्केन का है या नहीं। अब यहां पर बात आती है कि फॉर्मूले को देखकर उसका नाम कैसे बताएंगे आप, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक मैं बता रहा हूं फिर ट्राई करिएगा आप घर में और प्रैक्टिस करिएगा। यहां पर देखिए सी एच फोर लिखा है, सी एच फोर में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन में यहां पर क्या होता है, यहां देखिए ध्यान से, एक कार्बन का क्या होता है मेथ, मैंने यहां पर क्या लिखा, मेथ लिखा, मेथ, और इसके बाद से यहां पर क्या, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं फैमिली, एल्केन, तो एल्केन में लास्ट में क्या आ रहा है, एन, इसमें आपको अलग से ये ऐड करना, एन ऐड करना है, तो मेथ और प्लस एन, तो यहां पे हमारा क्या पूरा बन गया, मीथेन, मीथेन ये पूरा हमारा बन गया। ऐसे करके देखिए यहां पर नेमिंग करते हैं। एक और देखिए बहुत ध्यान से, मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ C2H6, C2H6 का केमिकल नेम क्या होगा, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सी के नीचे यहां पर क्या लिखा है, टू, यानी कि दो कार्बन, दो कार्बन में यहां पर क्या होता है, एथ, यहां पर हमारा क्या हो गया, एथ, ETH, एथ प्लस, और क्या लगाना है यहां पर हमें, एन। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि ये एल्केन का है या नहीं, अगर एल्केन का है तो आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, एन, सब में आपको एन लगाना है, तो यहां पे हमारा पूरा ओवरऑल क्या हो गया मिलाकर, इथेन, इथेन। एक और देखिए यहां पर क्या लिखा है, C3H8, C3 तीन कार्बन में क्या होता है, प्रोप, और ये एल्केन फैमिली का है तो यहां पर क्या आएगा, एन, तो प्रोपेन, सब में आपको एन ऐड करना है। अब देखिए आपको मैं एक बार पूरे 10 तक यहां पर आपको मैं पढ़ के दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए इसका क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, तो इस तरह से पूरा हमारा होता है, ठीक है ना। जो यहां पर पॉइंट नंबर फोर है ये हमारा एल्केन में नहीं आता, ठीक, तो इस तरह से आपको करना है। एक और देखिए आपको दिखा रहा हूं, एक और पॉइंट यहां पर मैं ले रहा हूं, फोर, पांचवा पॉइंट, सपोज आपसे कहा जाए बताओ भाई C5H12, C5H12 का केमिकल नेम क्या होगा, कैसे करेंगे, देखिए C5 लिखा है, C5 का मतलब पांच कार्बन, पांच कार्बन में क्या होता है, पेंट, और पेंट में एन लगाना है, तो यहां पर क्या बन गया हमारा, पेंटेन, PENTANE, पेंटेन, तो इस तरह से पूरा हमारा खत्म हो गया एल्केन। इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि एल्केन फैमिली में आपको एन ऐड करना, एन ऐड करना है, और पहले चेक करना है कि क्या वो एल्केन फैमिली का है या नहीं। कैसे आपको चेक करना है, जो भी यहां पर नंबर ऑफ कार्बन लिखा होगा उसके डबल से दो ज्यादा होगा, यहां पर देखिए C5 है तो 5 का डबल क्या हुआ, 5 का डबल हुआ 10, और 10 में दो आप ऐड कर दीजिए तो 10 और 2 12, तो C5H12, ये पूरा हमारा बन गया क्या, पेंटेन, डन। इसे कॉपी कर लीजिए अच्छे से, इसके बाद से हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट एल्कीन, कॉपी करिए इसे। अब देखिए यहां पर तीसरा टॉपिक है एल्कीन, देखिए यहां पर एल्कीन का जो यहां पर जनरल नेम है, इसका जो जनरल नेम है वो है एल्कीन। आपसे कहा था ना कि जो भी यहां पर ग्रुप का नाम होगा वही इसका जनरल नेम होगा, यानी इसमें आपको अलग से इन ऐड करना है, ठीक है ना, एल्कीन इसका नाम होगा, चलिए मैं लिख दे रहा हूं एल्कीन, एल्कीन, यानी इसमें अलग से क्या ऐड करना है, आपको इन ऐड करना है, जैसे कि यहां पर तो मेथ आएगा ना, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऐसे करके यहां पर आपको सब में इन आपको ऐड करना है। और देखिए यहां पर इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है CnH2n, बस मतलब कहने का, देखिए बहुत ध्यान से देखिए समझिएगा इसको, यहां पर क्या लिखा है CnH2n का मतलब जितने कार्बन है यहां पर, देखिए जितने यहां पर नंबर ऑफ कार्बन है उसका जस्ट डबल यहां पर हाइड्रोजन होगा। एग्जाम्पल देखिए आप ध्यान से, एग्जाम्पल देखिए, अब यहां पर एग्जाम्पल में दोनों काम करेंगे, आपको हम यहां पर फॉर्मूला बताएंगे और फॉर्मूले के बाद आपको बताएंगे कि उसका नाम क्या है। सुनिए, सपोज मैंने यहां पर लिखा मान लीजिए C2, यहां क्या लिखा मैंने C2, तो एन की वैल्यू कितनी है 2, तो अगर यहां पर लगाएंगे यार एन की वैल्यू 2, 2 जा 4, C2H4। यहां पर देखिए अगर मैंने लिखा C3, तीन कार्बन का एल्कीन,
तीन कार्बन के एल्कीन का फॉर्मूला देखिए C3, अगर यहां पर एन की वैल्यू 3 है तो यहां पर कितना आएगा पूरा 3 × 2 = 6। एक और देखिए यहां पर थर्ड पॉइंट, अगर मैंने आपसे बोला C4 तो एच कितना आएगा 4, अगर एन की वैल्यू 4 है तो 4 × 2 = 8, C4H8। ये तो हो गया आपको कार्बन को लेकर एल्कीन बनाना, पहचानना सिंपल। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सी पहचान है, जितने यहाँ पर कार्बन है उसका जस्ट यहाँ पर डबल यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन होगा। अब देखिए यहाँ पर कि किसी भी केमिकल फॉर्मूले को देखकर, किसी भी केमिकल फॉर्मूले को देखकर उसका नाम आप कैसे यहाँ पर बताएंगे। सपोज यहाँ पर लिखा है C2H4, तो C2 का मतलब एज, यहाँ पर क्या आ गया हमारा एज और प्लस, और ये हमारा कौन सी फैमिली का है एल्कीन फैमिली का है, तो एल्कीन में अलग से क्या ऐड करते हैं इन, तो एज प्लस इन यहाँ पर हमारा क्या हो गया इथीन, ये हमारा हो गया इथीन। यहाँ पर देखिए C3H6, C3 का मतलब यहाँ पर क्या है प्रोप, तो यहाँ पे हमारा आ गया क्या प्रोप और प्लस, और अलग से यहाँ पर क्या लगाना हम लोग को इन, तो प्रोप और इन यहाँ पर क्या बन गया प्रोपीन, ऐसे यहाँ पर करके ठीक है ना, मतलब सब में आपको यहाँ पर इन लगाना है। देखिए ऐसे इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन हेप्टीन ऐसे करके। यहाँ पर देखिए C4H8, पहले हम पहचानेंगे कि क्या ये एल्कीन है कि एल्केन है, तो जितने यहाँ पर लिखा है उसका जस्ट यहाँ पर डबल है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जस्ट यहाँ पर डबल है यानी कि ये एल्कीन फैमिली का है, और अगर ये एल्कीन फैमिली का है तो नाम क्या होगा C4। सबसे पहले कार्बन चेक करते हैं C4, C4 का मतलब ब्यूट, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया ब्यूट, और क्योंकि ये एल्कीन फैमिली का है तो यहाँ पर क्या करेंगे ऐड अलग से इन, तो ब्यूट और इन मिला के बाद क्या बन गया ब्यूटीन, सिंपल ठीक है ना। इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, इसके बाद पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 14 पॉइंट पढ़ते हैं एल्काइन। अब देखिए यहां पर फोर्थ पॉइंट है यहां पर एल्काइन ग्रुप, पहला यहां पर ग्रुप था एल्केन, दूसरा यहां पर ग्रुप था एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, और एल्काइन यहां पर देखिए तीसरा यहां पर ग्रुप है। एल्काइन में बॉन्ड कौन सा आता है, तो एल्काइन में बॉन्ड आता है ट्रिपल बॉन्ड, क्या आता है यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये बॉन्ड कैसे अरेंज होंगे ये आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूला और फॉर्मूले को देखकर उसका केमिकल नेम लाइकेज आईपीसी नेम। देखिए यहां पर तो एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है जनरल नेम, देखिए पहले यहां पर जनरल नेम, इसका जनरल नेम वही होगा आपसे बताया था मैंने, जो यहां पर ग्रुप में लिखा है यहां पर क्या लिखा है एल्काइन, तो नाम इसका हो गया एल्काइन, यानी इसमें अलग से क्या ऐड करेंगे हम लोग प्लस, यानी अलग से यहां पर क्या करेंगे प्लस हम लोग आइन YNE आइन ओके। इसके बाद यहां पर क्या पढ़ना हम लोग को इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इसका होता है देखिए ध्यान दीजिएगा CnH2n-2। अगर यहां पर होता है एल्केन पहला वाला, दूसरा पॉइंट एल्केन, तो एल्केन ग्रुप में यहां पर क्या होता है 2n+2 होता, और यहां पर क्या एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो यहां पर क्या है 2n-2 है। एग्जाम्पल देखिए इसका आप, एग्जाम्पल देखिए इसका आप, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में पहला मैंने यहां पर लिया मान लीजिए C2, तो अगर यहां पर n की वैल्यू 2 है तो यहां पर पुट करिए 2 × 2 = 4, 4 − 2 ओवरऑल कितना आएगा 2 आएगा C2H2। एक और देखिए यहां पर दूसरा पॉइंट, अगर यहां पर हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 तो क्या आएगा C3, अगर C3 यहां पर क्या आएगा 3 × 2 = 6, 6 − 2 कितना आएगा 4। एक और देखिए पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरा एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर पुट कर दें n की वैल्यू कितनी 4, तो यहां पर आएगा C4H, तो 4 × 2 = 8, 8 − 2 कितना आएगा 6, ये पूरा हमारा बन गया ओके। जितने भी कार्बन के अगर आपको एल्काइन तैयार करने हैं तो इस फॉर्मूले में आप पुट करते जाइए, जैसे यहां पर हम ऐसे बोलेंगे 2 कार्बन का एल्काइन ये है, 3 कार्बन का एल्काइन का फॉर्मूला ये है, 4 कार्बन के एल्काइन का फॉर्मूला ठीक है। अब यहां पर हमें क्या पढ़ना है कि फॉर्मूले को देखकर इसका नाम क्या होगा, यानी कि C2H2 जितने यहां पर एग्जाम्पल लिखे हैं इन तीनों का केमिकल नेम क्या होगा हमारे केमिस्ट्री में। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या यहां पर कहां ध्यान देंगे फैमिली कौन सी है एल्काइन, तो आपको ऐड यहां पर क्या करना है अलग से आयन, और किसमें आयन आपको ऐड करना है कार्बन में C2, 2 कार्बन में क्या आता है एथ, यहां पर क्या बन गया हमारा एथ और प्लस आयन, ओवरऑल हमारा क्या बन गया इथाइन डन, यानी कि C2H2 का जो नेम है केमिकल नेम है वो हमारा क्या बन गया इथाइन। एक और देखिए यहां पर C3H4 में 3 कार्बन है, 3 कार्बन में क्या आता है प्रोप, तो यहां पे हमारा आ गया प्रोप और इसमें ऐड करना आइन, तो यहां पे हमारा क्या बन गया प्रोपाइन डन। यहां पर देखिए C4H6,
सी फोर का मतलब चार कार्बन में क्या आता है, ब्यूट, तो यहां पर हो गया हमारा ब्यूट और प्लस आइन, तो यहां पर हमारा क्या बन गया, ब्यूट आइन। ऐसे यहां पर करके हम लोग किसी भी फॉर्मूले का यहां पर हम लोग केमिकल नहीं बता सकते हैं, ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इसका पूरा ओवरऑल आईपीएसी नेम, ठीक है, एल्केन का, एल्केन का और एल्काइन का। बस यहाँ पर इसको कॉपी करने से पहले थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा नोट में। देखिए अगर यहाँ पर एल्केन है, अगर यहाँ पर क्या एल्केन, इसमें कौन सा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड, इसमें हमारा आता है सिंगल बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा। और जो बॉन्ड है वो हर जगह कहां पे आएंगे, कहीं यहाँ पर कार्बन टू कार्बन आएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमारा एल्कीन, एल्कीन है, इसमें हमारा कौन सा बॉन्ड आता है, यहां पे हमारा आता है डबल बॉन्ड, ठीक है ना। एल्केन में सिंगल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और तीसरा यहां पर जो हमारा है वो हमारा है एल्काइन, एल्काइन, इसमें यहां पर क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग अभी आगे इस्तेमाल करेंगे, पहचानना आपको अच्छे से आ गया है फॉर्मूला देख के, ठीक है ना। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, अब देखिए बस यहां पर आप देख लीजिए नोट में। तो यहां पर देखिए पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, यहां पर एल्केन, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या था यहां पे हमारा, सी एन एच टू एन प्लस टू, इसको शॉर्ट में अलग से लिख लीजिए, ठीक है आप। दूसरा यहां पर पॉइंट हमारा एल्कीन है, क्योंकि अभी जस्ट आपने जब पहले कॉपी किया था ना, तो शायद लास्ट वाली लाइन आपकी नहीं आई थी ना ओवरऑल नीचे, तो उसको मैं दोबारा यहां पर बता रहा हूं। दूसरा यहां पर पॉइंट हमारा क्या है, एल्कीन है, तो एल्कीन में क्या आता है, अच्छा इसमें क्या आता है हमारा, सिंगल बॉन्ड, इसमें हमारा आता है सिंगल बॉन्ड, इसमें यहां पर हमारा आता है सिंगल बॉन्ड। और एल्कीन में फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन, बस यानी प्लस टू यहां पर नहीं आएगा, ठीक है एल्कीन में। और इसका क्या होता है, डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। और जो यहां पे हमारा तीसरा पॉइंट था, तीसरा जो यहां पर ग्रुप है वो हमारा क्या है, एल्काइन है, एल्काइन का जो फॉर्मूला है वो यहां पर क्या है हमारा, सी एन एच टू एन माइनस टू। आप यहां पर देखिए ध्यान से कि लगातार दो दो यहां पर कम हो रहा है, पहले टू एन प्लस टू था, दो कम करिए तो क्या आएगा टू एन, फिर दो कम करिए तो यहां पर क्या आ गया टू एन माइनस टू आ गया। यहां पे हमारा क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन टू कार्बन, यहां पे हमारा आता है ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे समझ लीजिए आप, सिंगल बॉन्ड यहां पर, सिंगल बॉन्ड यहां पर क्या आएगा डबल बॉन्ड, यहां पे हमारा क्या आएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। और फॉर्मूला आप थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, बहुत ही आसान है इसको पहचानना। जैसे मैंने अगर आपको यहां पर लिख दिया सी फोर एच टेन, आपसे पूछो बताओ जरा कि ये लिखा है ये एल्केन का है कि ये एल्कीन का है कि ये एल्काइन का है, तो कैसे पहचानेंगे आप। कार्बन का देखिए नंबर क्या है, फोर, अगर जो भी यहां पर कार्बन का नंबर है अगर उसके डबल से दो ज्यादा है तो क्या होगा, एल्केन। फोर है, फोर का डबल कितना हुआ, एट, एट में दो एड करो कितना आएगा, टेन, सी फोर एच टेन एल्केन का है। अगर यहां पर ऐसा हो जितने यहां पर कार्बन लिखे हैं उसका जस्ट अगर डबल है, सी फोर एच टेन लिखा है यहां पर, जितने कार्बन उसका डबल है तो क्या होगा, एल्कीन होगा। और अगर ऐसे लिखा है सी फोर और एच सिक्स लिखा है, मतलब जितने कार्बन है उसका डबल करिए और डबल करके दो कम कर दीजिए, एन का डबल टू एन से दो कम, तो वहां पर क्या आएगा हमारा, एल्काइन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एल्काइन है। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, ठीक है ना, कॉपी करिए इसे।